सो हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। मेरा नाम भूपेंद्र सिंह बिष्ट एंड आई एम योर मैथमेटिक्स टीचर। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं? आई होप कि सब अच्छे होंगे, सब हेल्थी होंगे एंड फिट होंगे एंड यस सेफली घर पर होंगे। देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर लिया है। एक्सरसाइज 8.3 हमारी चल रही है। मुझे लगता है आप लोग पढ़ रहे होंगे घर पर, ठीक है, स्टडी करिए। आपके एग्जाम्स अब आने ही वाले हैं, कुछ मंथ्स बचे हैं, तो फटाफट प्रिपरेशन कर लीजिए। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर है एक्सरसाइज हमारी जो 8 है ट्रिग्नोमेट्री। इसके बाद भी हमारे पास एक एक्सरसाइज है जो ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड है, तो फटाफट जब आप मेरा साथ देंगे तभी ये चैप्टर हो पाएगा। तो आप इसको पढ़िए अच्छे से। तो देखिए, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट। इसमें क्या देखिए, शो दैट 1048, 1023, 1042 एंड 1067 इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसको करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा। देखिए, आप लोगों ने शायद, मैंने जब फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास ली थी आपकी, तो उस पर मैंने कुछ आपको वो बताए थे, सॉरी जब फर्स्ट क्लास ली थी मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज बताया था एंड कुछ रेसिप्रोकल्स बताए थे। देखिए, कुछ इस तरीके से मैंने आपको बताया था, लाइक टेन थीटा इज इक्वल टू 1/cot θ। तो देखिए, इसमें यही चीज़ यूज़ होगा, आप ध्यान से करना है, ठीक है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्यूशन फर्स्ट करते हैं और फटाफट सॉल्व करते हैं, ज़्यादा देर का वीडियो नहीं रहेगा हमारा, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको स्टार्ट करते हैं। यस, देखिए सबसे पहले यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। बट वी हैव अ क्वेश्चन 1048, एक बार फिर से लिखता हूँ यहाँ पर 1023 डिग्री एंड 1042 डिग्री एंड द लास्ट वन इज 1067, ठीक है। तो देखिए, we have two sides, one is right hand side, the one is left hand side. तो देखिए, मैं फिलहाल मैं ऑन सॉल्विंग लिखता हूँ यहाँ पर, इस तरीके से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। ऑन सॉल्विंग LHS, ठीक है। What do you mean by LHS? लिख लीजिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड। तो आज के बाद कभी भी LHS मत लिखना, नहीं लेफ्ट हैंड साइड मत लिखना, सिर्फ LHS लिखना, ठीक है। तो देखिए, हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। देखो, इसमें भी आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना। Choose any two values whose sum is 1, whose sum is 90 degree. It means, देखो मैं क्या कह रहा हूँ, ऐसे दो angles choose करो जिसका sum आपको कहीं ना कहीं पर 90 degree दिख रहा है। So here you see that 42 degree, 48 degree and 42 degree. देखिए, if I will take these two, ठीक है, मतलब ये दो angles हैं हमारे पास। सबसे पहले क्या करते हैं, हम इन दोनों को adjust कर लेते हैं। I mean to say, इसको हम क्या करते हैं, 1048 degree को 1042 डिग्री साथ लिख लेते हैं। क्यों? देखिए, सब आपस में मल्टीप्लाई में है, सो यू कैन टेक टुगेदर। तो 23 डिग्री एंड द लास्ट वन इज 1067 डिग्री इज इक्वल टू 1, सॉरी नॉट इक्वल टू 1, बिकॉज अभी हम सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड अपनी सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने क्या कहा, 48 प्लस 42 यू विल गेट 90 डिग्री। ध्यान सुनना, 48 प्लस 42 कितना होता है 90 डिग्री एंड 23 प्लस 67 इज 90 डिग्री। अब देखिए, एक चीज यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, वो हम यहां पर करेंगे। देखना क्या करेंगे, सबसे पहली बात, अच्छा कोई भी एंगल लूं मैं, ठीक है, मैं कहूं 1048 को चेंज करिए, 10 किसमें, 1048 को आप चेंज करिए 1048। क्या करेंगे, बस इसको नीचे ले आएंगे। चलो एक काम करते हैं, मर्जी आपकी, देखो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो यहां पर मैं करता हूं उसको 1048 डिग्री। अब ध्यान सुनना, मैं नीचे लिखता हूं व्हाट इज दिस 1042 डिग्री। देखिए, कोई भी एंगल है, 1042 डिग्री को मैं कॉट में बदलूंगा तो क्या लिखूंगा, 1/cot 42 डिग्री, ठीक है, ये आपको डेफिनेटली पता है। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, कॉट 40, चलो इसको ऐसे लिखते हैं, एक काम करते हैं आपको अच्छे समझाते हैं, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करके 1/ में कॉट का 42 डिग्री लिख लेते हैं। वेरी गुड, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर मैंने लिख लिया है बिकॉज वी नो दैट, एग्जाम्पल लिख सकते हैं कुछ ऐसा, दैट tan a इज इक्वल टू 1/cot a, ये आपको पता है, वेयर a इज एनी एंगल, ठीक है, जहां पर a क्या है, कोई भी एंगल हो सकता है आपका। सिमिलरली आप ऐसे कर लीजिए, लो tan 23 डिग्री है इंटू 1/cot 67 कर लीजिए, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई परेशानी नहीं है, वेरी वेरी इजी। यस, तो देखिए अब क्या करेंगे हम, ध्यान से सुनना, कुछ नहीं करते हैं, आपको मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बता रखा है कि कैसे हम किसी एक रेशियो को चेंज करना पड़ता है, किसी एक रेशियो को, मतलब वी हैव कॉम्बिनेशन, इसके हमारे पास कॉम्बिनेशन है, एक कॉम्बिनेशन इसके पास है। तो देखिए, आपको पता है कि मैं किस में से, देखिए इसमें 1042 है, यहाँ पर cot 42 है, इसको अगर मैं 10 के टर्म में लाना चाहूँ और इसका एंगल भी मुझे 48 डिग्री चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इस 42 डिग्री में से
ठीक है, इसको किस में से माइनस करूंगा कि मुझे 48 डिग्री मिल जाए। तभी तो मैंने इन दोनों को शुरू में साथ लेते, इसलिए साथ लेते कि हमें पता था कि 48 डिग्री प्लस 42 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि सब्सिट्यूट करिए, प्लेस करिए 42 डिग्री की जगह पे क्या प्लेस कर सकते हैं आप लोग, यू कैन प्लेस 90 माइनस 48 डिग्री। बस कुछ नहीं करना आपको, आपको 10 48 यहाँ पर लिखिएगा, 10 48 डिग्री इज इक्वल टू सॉरी इंटू 1/ कॉट की जगह पे 90 माइनस 48 आप लिख सकते हैं। वेरी गुड, तो ये आप लिख सकते हैं, वेरी गुड, ये आपको पता है। सिमिलरली यहाँ पर मैं कर सकता हूँ, देखिए ये भी मल्टीप्लाई में आपका 10 23 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको 1/ यू कैन टेक कॉट 90 माइनस 23 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा हो चुका है, सॉरी हुआ नहीं है अभी, तो चलिए अब एक काम करते हैं, एक मिनट में थोड़ा डोर क्लोज कर देता हूँ, बहुत वाइट बोर्ड पर शाइन आ रहा है कुछ। ठीक है, यस ठीक है, तो देख लीजिए अब हम इसमें करते हैं, थोड़ा बहुत शाइन आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा अच्छा भी दिखना चाहिए ना, क्लियर दिखना चाहिए आप लोगों को, यस। तो देखिए अब हम करते हैं क्या, यू नो दैट, यहां लिख सकते हैं हम यू नो नहीं, वी नो दैट व्हाट वी नो, हम तो सब जानते हैं भैया। ठीक है, हम क्या जानते हैं कि आपको पता है कि cot 90 माइनस थीटा भी tan थीटा होता है, ये सब लिखना है, दिस इज द वे टू सॉल्व, ठीक है ना, दिस इज द राइट वे बट ठीक है टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब आपको पता, तो cot 90 माइनस थीटा की जगह आप कितना लेंगे, tan थीटा, तो यहाँ से देख लीजिए आप, देखिए एनसीईआरटी में कहीं आपको सॉल्यूशन दिखेगा तो बहुत छोटा दिखेगा इसका, ठीक है, तो देखिए मल्टीप्लाई में ही इसके साथ, चलो आपको ऐसे कैसे जाते हैं इंटू 1/ ये कितना हो गया 10 48 डिग्री। सिमिलरली ये हो गया 10 23 डिग्री एंड इंटू 1/ ये हो गया आपका 10 23 डिग्री। तो देख लीजिए काफ़ी इजी था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी इसमें, वीकेंड कार्ड देखिए कट करना अच्छा लगता नहीं है, लोग कार्ड कर दिया, कट तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आपको राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या मिल गई, 1, हैंस यहाँ पर लिखिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो आप क्या हो गया हैंस प्रूव लिख सकते हैं, हैंस ठीक है प्रूफ्ड, हैंस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड मिल चुकी है आपको, जो कि 1 है, ये भी 1 आ गया देखो यहाँ से, ठीक है सबको काट गया तो 1 बचेगा, वेरी गुड, तो 1 आ गया हमारे पास, ये 1 1 ठीक है, तो वेरी इजी था हमारा। चलो अब हम पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वेट अ मिनट थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ आपके इसको, ओके वेरी गुड, सब क्लियर है, ठीक है चलो अब करते हैं हम इसमें आपका द लास्ट वन सेकंड वन क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपको आ गया होगा, प्लीज इसको देख लीजिए एक बार, ठीक है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्लीज शेयर भी कर लेना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और प्लीज लाइक करना और ज़्यादातर स्टूडेंट्स के पास पहुंचाना, क्योंकि यह चैप्टर आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, 8.4 जो कि इसके बाद आने वाला है, कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक नए क्वेश्चन उस एनसीईआरटी में से ज़रूर आएगा। ठीक है, ये मैं आज से ही नहीं बोल रहा हूँ, अपना प्लीज़ जो अपना जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनको देख कर ही बोल रहा हूँ, जो प्रीवियस एग्जाम्स हो रहे हैं, किस टाइप के पेपर आ रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये क्वेश्चंस भी आपको दिख सकता है 10 40 10 23, ठीक है इस टाइप का, तो प्लीज़ कर लीजिए। और ध्यान से एक बार और एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ यहाँ पर, यह कि देखिए ये चीज़ आपकी वेस्ट नहीं जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ आपकी अभी कहाँ यूज होगी, जिसको 11th में मैथमेटिक्स लेनी है, 12th में लेनी है, 11th में तो है आपकी ट्रिग्नोमेट्री से, और 11th उसको मैथमेटिक्स लेनी है, एंड इन फ्यूचर बाद में किसी को, देखो बहुत सी चॉइसेस होती हैं, किसी को गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करनी होती है, ठीक है, तो वहाँ पर तो आप समझ लीजिए, वहाँ पर तो आपको आना ही आना चाहिए, तो इसलिए अभी आप इसको अच्छे से कर लीजिए। तो चलिए गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी में भी ये सब यूज़ होता है, तो गवर्नमेंट एग्जाम्स, ठीक है, तो चलिए नाउ मूव टू द सेकंड वन, व्हाट इज देयर, व्हाट इज दिस, अब देखिए इसको करने से करके क्या कर सकते हैं बताओ, इज देयर एनी आइडिया टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, यस वी हैव, हमारे पास है, पर देखिए अगर देखिए आपके पास आइडिया कब आता है, जब आप प्रैक्टिस करते हैं, जब प्रैक्टिस करेंगे अकेले में शांत में, तभी आपके पास आइडिया आएगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। ठीक है,
इज इक्वल टू जीरो, इट मीन्स इसको शो करना कि दिस राइट लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू जो भी है वो जीरो के बराबर है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम, चलो यहाँ पर लिखते हैं ऑन सॉल्विंग लेफ्ट हैंड साइड, दिस लेफ्ट हैंड साइड इज दिस। अब देखिए क्या करते हैं ना, कुछ नहीं करते हैं, ध्यान सुनिए, बताइए मुझे ये जीरो कब हो सकता है, कब ये जीरो हो सकता है, कोई ऐसी चांसेस हैं? यार यहाँ तो कॉस है, यहाँ तो साइन है, यहाँ कॉस है, यहाँ साइन है, कोई मतलब ही नहीं हुआ अभी जीरो हो सकता है। अगर दोनों जगह सेम वैल्यूज आ जाए, सेम रेशियो के सेम एंगल्स आ जाए, तब हम कह सकते हैं कि दैट उस टाइम पे पॉसिबल है कि हमारे पास कितना आ जाए, जीरो आ जाए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में कुछ नहीं करना, किसी एक साइड को आप सॉरी किसी एक एंगल को आप दूसरे एंगल में चेंज करिए, जो कि आपको पता है, यहाँ पर लिख सकते हैं वी नो दैट, चलिए मैं कॉस भी करता हूँ साइन में, कॉस 90 माइनस थीटा आपको पता है कितना होता है, साइन थीटा होता है, एज वी डिस्कस अर्लियर ना, ठीक है, प्रीवियस क्लास में। अभी आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, ठीक है, इसके बाद हमारा फॉर्मूले रहेंगे, काफ़ी कुछ रहेगा, ठीक है। तो देखिए क्या करते हैं, 38, अब देखिए मैंने क्या कहा था, कैसे पता लगेगा, 38 प्लस 52 प्लस कीजिए, आपको क्या मिल रहा है यहाँ पर, देखिए नोट में कर, ये लिखना नहीं होता है, ठीक है, बताना एक तरीका होता है कि यस इट विल बी 90 डिग्री। तो मैं बताना चाहूँगा कि 38 को कैसे लिखेंगे, तो 90 माइनस 52, तो कॉस 90 माइनस 52 लो लिख लीजिए, वेरी गुड, लिख लिया, ठीक है। अब इस सिमिलरली इस कॉस 52 की जगह 90 माइनस 38, एंड नो नीड टू चेंज दिस अदर दिस साइड साइन, सॉरी दिस वन, इसको एज इट इज ऐसे ही रहने दीजिए, तो देखिए कैसे होगा, ठीक है, कुछ नहीं करिए। देखिए साइन में लाना था ना मैं, तो साइन में हम ले आए कॉस 90 माइनस थीटा, व्हाट इज दिस साइन थीटा, थीटा इज रिप्रेजेंट 50 डिग्री, कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है आपका साइन थीटा। तो कहीं ना कहीं आपको पता चल गया है अब कि क्या, दैट वी विल गेट द सेम वैल्यूज, ठीक है, साइन 52 साइन 38, साइन 52 साइन 38, बोथ विल बी कट एंड आंसर विल बी जीरो। तो बस ये आपका सही हो गया, देख लीजिए दोनों एक ही, दोनों साइड एक ही चीज़ तो है, साइन 52 साइन 38, साइन 52 साइन 38, इनको आप माइनस करेंगे वैसे जीरो हो जाएगा, तो ये आपके कट हो चुके हैं, तो इसका आंसर कितना, चलो एक काम करते हैं, आपको अगर अच्छे से नहीं आ रहा समझ में, दोनों में एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, देखो या तो ऐसे ही कट कीजिए, जीरो तो पता, हमें तो पता है जीरो है, अगर नहीं आ रहा समझ में तो कोई भी एक, दोनों में क्या दिख रहा, साइन 52 डिग्री एंड साइन 38, अब ये दोनों में दिख रहा, तो दोनों में से कॉमन निकाल के यहाँ वन बचेगा, उधर साइड भी पूरा वन बचेगा, वन माइनस वन जीरो, सो आंसर इज जीरो, ठीक है, आंसर इज जीरो। तो हमें पता लग गया, हैंड्स प्रूव तो बहुत इजी था आपका, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, बस कंप्लीटेड, वेरी गुड। तो फ्रेंड्स देखिए कंप्लीट होता है हमारा चैप्टर, इस क्लास को आप प्लीज़ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको जितनी भी अपडेट्स हैं वो मिल जाएं। और देखिए अब हम फटाफट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस, अगली क्लास में हम एक्सरसाइज 8.4 अभी तो नहीं लाएंगे अभी, क्योंकि बहुत क्वेश्चंस हमारे इसके बचे हैं, फिर हम करेंगे अपनी नई न्यू एक्सरसाइज 9th वाली, जिसमें आपके कुछ एंगल ऑफ एलिवेशंस एंड डिप्रेशंस हैं। तो देखिए तब तक के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग, कीप सपोर्ट मी, एंड टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, हैव अ हेल्थी डे, स्टे होम एंड स्टे सेफ, थैंक यू।